नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ वसीर। आज साल का पहला दिन है, लेकिन एक दिन पहले यानी साल के आखिरी दिन 2021 में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के 30 मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया। आपको हम खबरें विस्तार से बताते हैं कि किन मंत्रियों के पास कितना संपत्ति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 30 मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति को घोषित कर दिया। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्यौरा है। बिहार सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा उनके मंत्री अमीर हैं। मुख्यमंत्री से 2,87,12,410 रुपये की ज़्यादा संपत्ति उनके पुत्र निशांत की है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत कई मंत्रियों के पास राइफल और पिस्टल दोनों हैं। कई मंत्रियों के पास बस ट्रक से लेकर मोटरसाइकिल तक है, तो वहीं परिवहन मंत्री के पास अपनी गाड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ब्यौरों के अनुसार उनके पास कुल 75,36,626 रुपये की संपत्ति है। उनके पुत्र निशांत के पास 3,62,49,036 रुपये की संपत्ति है। इसकी वजह निशांत के नामी सभी पैतृक संपत्तियां होना है। मुख्यमंत्री के पास 16,51,626 रुपये की चल संपत्ति है, वहीं अचल संपत्ति 58,85,000 रुपये की है। उनके नाम पर संसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी द्वारा दिल्ली में एक फ्लैट भी है। उनके पास 13 गाय, उसके 9 बच्चे हैं, 13,000 रुपये की एक्सरसाइज साइकिल है। उनके संपत्ति के ब्यौरे में चारा कल, माइक्रोवेव ओवन, ओटीज, वॉशिंग मशीन के दाम भी दर्ज हैं। निशांत की चल संपत्ति 1,63,79,422 रुपये है तथा अचल संपत्ति 1,98,69,614 रुपये है। नीतीश कुमार के पास 29,385 रुपये नकदी हैं, तो वहीं निशांत के पास 16,549 रुपये नकद है। सीएम से अधिक उनके मंत्री हैं चल अचल संपत्ति के मामले में। रेणु देवी की बात कर ले, जो बिहार की डिप्टी सीएम है, वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास 2,50,00,000 का गहना है। उनकी पत्नी के पास 20,00,000 का गहना है। टोयोटा इनोवा, स्कॉर्पियो, टाटा इंडिगो और बोलोरे है, तो पति पत्नी की कुल संपत्ति मिलाकर 2,28,00,000 है। चल संपत्ति 40,12,000 की है, वहीं अचल संपत्ति 1,88,00,000 रुपए की है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास 25,00,000 के गहने हैं, वहीं एक पिस्टल और एक राइफल है। उनकी चल संपत्ति 82,46,000 रुपए है, वहीं अचल संपत्ति के रूप में बेतिया फुलवारी शरीफ में जमीन और कोलकाता 1,800 वर्ग फीट का मकान है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के पास ट्रक, बस, ट्रैक्टर, टोयोटा इनोवा, मोटरसाइकिल, राइफल और पिस्टल है। सबसे कम संपत्ति बिहार के अल्पसंख्यक जो मंत्री है जमा खान, उनकी है। उनकी संपत्ति सिर्फ 62,17,000 रुपये है। कम संपत्ति में दूसरे नंबर पर मदन सहनी हैं, उनके पास 82,54,000 की संपत्ति है। नीरज कुमार बबलू के पास 11,55,000 की संपत्ति है, तो वहीं सम्राट चौधरी के पास 10,91,00,000 की संपत्ति है। मंत्रियों की संपत्ति में उनकी पत्नियों की संपत्ति भी शामिल है। तो नीतीश कुमार और उनके 30 मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सरकार के सामने रखा है। बिहार सरकार ने अपने वेबसाइट पर इसको जारी किया है। कुछ दिन पहले ही यह आदेश निकला था कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी उनके विधायक हैं, सब जो है अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा जो है सब सरकार के सामने रखे और सरकार उसको प्रकाशित करेगी। अब जो है उनके मंत्रियों ने और नीतीश कुमार खुद और उनके बेटे ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। तो देखना होगा इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, आपको हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।